बोलो मेरे सामने, मेरे सामने मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप आ चुका है। आया, आ तो गया लेकिन कैसा है पता नहीं चलता है उसको। देखो कभी भी आपको राजा बनाना है, समझ लो एक फिल्म शूटिंग हो रहा है, एक सीरियल शूटिंग हो रहा है, आप सबको रोल मिल गया। क्या मिल गया? क्या मिल गया? जब रोल मिल गया, किसी को राजा बनाना है, किसी को ये बनाना है, किसी को रानी बनाना है, किसी को क्या बनाना है, क्या बनाना है, सब फिक्स हो गया, तो आपको ऐसे एक्टिंग करना है, उसको सजाया जाएगा। तो मेरा जो फरिश्ता स्वरूप, सिर्फ फरिश्ता कहने से क्या, लेकिन उसको संपूर्ण रूप से श्रृंगार करना है। बाबा देखो अव्यक्त होने की बात, फरिश्ता का पूरा रहस्य अव्यक्त वाणी में गेर किया है। फरिश्ता की आंखें कैसी होती है, फरिश्ता का मस्तक कैसे होता है, फरिश्ता का चेहरा कैसे होता है, फरिश्ता का पैरों से लेकर मस्तक तक कैसे होता है, वो आपको अपने संकल्प से रचना है। रचोगे? क्योंकि जो संकल्प करोगे धीरे धीरे वो निर्माण होता जाएगा। रावण को आपने देखा ना, सुना ना, हस्तल रावण जलाते ना, रावण की कितनी मुंडी थी? कितनी? कितनी? दस। अच्छा वो रावण की मुंडी दस लेके कंटिन्यू घूमता था या जब जरूरत पड़ता था? अच्छा रावण की दस मुंडी था तो बीस हो सकता था या नहीं? क्यों नहीं हो सकता, कोई चीज थोड़ी है। जब दस किया तो बीस करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। संकल्प करके उसने दस बना लिया, बीस नहीं कर सकता था? कर सकता था, लिमिट में रखा। कोई बात बाबा कहते हैं बिकार तो बहुत बिकार, ये दस तो सिंपल दिखाया गया, पांच नर का पांच नारी का, लेकिन कितने बिकार है, नीचे पीछे उसकी है कि नहीं? तो हम संकल्प से कितना भी क्रिएट कर सकते हैं। जब रावण दस मुनि बना सकता है तो क्या हम अपने फरिश्ता स्वरूप को रचना कर नहीं सकते? मेघनाथ के बारे में देखो जो रावण ने दिखाया कि एक सेकंड में अपने शरीर को यहां रखा, एक सेकंड में वहां छुपाया, वहां दिखा कहीं भी। आदि शंकराचार्य के बारे में सुनो, इस कलयुग की दुनिया में भी जो संत निरंतर तपस्या किए हैं, सिद्धि प्राप्त किए हैं, भले उनके शरीर यहाँ बैठा हुआ है, वो यहाँ तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हजारों किलोमीटर दूरी पर उनकी साकार वैसे ही शरीर वहां लोगों को दर्शन दे रहा है, लोग चरण छू रहे हैं। कैसे हुआ? आत्मा तो एक ही है, लेकिन वो कितने भी सूक्ष्म शरीर, कितना भी स्थूल शरीर रचना कर सकता है। हाँ जी, अभी तो कितना पता नहीं कितना रचना करना पड़ेगा। दस लोग घर में मेहमान आ गए, कितना खाना खिलाना पड़ेगा, ड्रेस को फरिश्ता बन जाए, मुस्कराते रहो। कृष्ण की महिमा सुनो, जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे गोप गोपियां वासुद बुद बुद के कहां पहुंच जाते थे? मुरली सुनने किसके पास? बोलो ना भाई, बोलो। कृष्ण के पास पहुंच जाते थे और हर सखी समझती थी मेरे साथ कृष्ण, बोलो रास करा, मेरे हाथ पकड़ के, वाह, बोलो ना वाह। कृष्ण एक था ये जो अंतर मन की शुद्ध शक्तियां जग जाती है, वो पूछता है या जी मैं भी कृष्ण के साथ रास करता हूं, कृष्ण निर्माण हो जाता है। कृष्ण भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो किसी भी स्वरूप। जब हम इतने सारे एग्जाम्पल से संपन्न है तो क्या हमारे फरिश्ते स्वरूप पुराने बना लिए या नया बना लिए? कपड़े जब पहनते हैं पुराना हो जाता है, फिर हम टेलर के पास जाते हैं, नहीं मेरी फटे हुए कपड़ा है ना, उसी को नया बनाने को आओ, ऐसा नए कपड़े खरीद के सिलाई करके, और जब नया कपड़ा टेलर के पास सिलाई होता है, बुद्धि कहाँ रहती है? बस 3 तारीख को बुलाए उसने टेलर देगा। हाँ इतने तारीखों में सभी छोड़ूंगा, ये वाला छोड़ के नया पहनना है। हाँ
मैं सबको शरीर छोड़ना या नहीं? आप चाहे या ना चाहो शरीर तो छोड़ना ही है, ये तोड़ना ही है, ये मिलना ही है मिट्टी में, लेकिन मैं अपने पुराने शरीर की स्मृति में नहीं जाना है, मुझे संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का निर्माण अभी से कर लेना है, चाहे मेरे पास एक मिनट है या एक घंटा, एक दिन, एक साल या 17 साल, क्योंकि यज्ञ में 83 साल पूरा हो रहा है, संघ में 100 साल है ना, तो मेरे पास कितना समय है? कंफर्म है 17 साल? नहीं, हो सकता है एक मिनट, एक घंटा, एक सेकंड भी हो सकता है। शरीर का कोई भरोसा? 3 दिन पहले बाबा ने बोला है भरोसा, तो पहले से घर का निर्माण करोगे या नहीं?